हेलो, क्या बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। हमारे राजू राजा कह रहे थे तालियां कम हो गई हैं, मैं तो नहीं मानता ऐसा। आप लोग बराबर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है और बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अब परशुराम जी आपके सामने हैं, तालियां तो अपने आप बजेंगी। ओ विषय का गीत पहले प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा था लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी ये कह रहे थे कि धीर कभी दुश्मन के आगे होते नहीं अधीर, धीर कभी दुश्मन के आगे होते नहीं अधीर, बांध नहीं सकती उनको कायरता की जंजीर, अपने हाथ लिखते हैं तकदीर वही वीर है। बढ़िया गीत, बढ़िया विषय का गीत, बढ़िया। लेकिन लक्ष्मण जी को ताव नहीं आ रहा, डर रहे हैं ना फरसे को देख करके, फरसे में चमक रहा है। इतनी चाय पिलाई जा रही है लक्ष्मण जी को, फिर भी गर्म नहीं हो रहे हैं। डर बहुत खराब होता है। बढ़िया, जो आपने उस क्रम को बढ़ाया है, विषय के क्रम को, क्योंकि मैंने गीत गाया था कि अब धीर रखा नहीं जाता, धीर छूट रहा है, तो बढ़िया बात आई आपकी ओर से। धीर कभी दुश्मन के आगे होते नहीं अधीर, बांध नहीं सकती उनको कायरता की जंजीर, अपने हाथ लिखते हैं तकदीर वही वीर है। बढ़िया, अब जवाब देखिएगा, उस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कह दिया वो धीर नहीं छोड़ते कभी जो वीर होते हैं, चलिए अब जवाब देखिएगा। लेकिन पहले कौश की सुनो मंद यह बालक, मुनि विश्वामित्र से कह रहे हैं कि सुनो, अरे कौश की सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल खालक, भानु वंश राकेश कलंकू निपट निरंकुश अबध असंकु। अरे ये तो रघुकुल का कलंक है, ये मुझे वीर नहीं दिखता, भले ही उपदेश दे रहा है कि तुमने धीर छोड़ दिया ना। कहा परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनो निरंकुश पाया ये, अरे कौशिक सुनो निरंकुश पाया है ये नपलाल, कौशिक सुनो निरंकुश पाया, कौशिक सुनो निरंकुश पाया मैंने ये, कौशिक सुनो निरंकुश पाया मैंने ये नृपलाल। ये जो राजा का लड़का बता रहे हैं आप, महाराज दशरथ का, ये कैसा है कि कौशिक सुनो निरंकुश पाया मैंने ये नृपलाल,
फूल कलंक लग गया ये मानो है रघुवंश के भाल। अरे फूल कलंक लग गया ये मानो है रघुवंश के भाल। बचन बोलना अब जो ये संभाल, बचन बोलना जब हाँ बचन बोलना अब जो ये संभाल तो काल है ये फरसा। और क्या कौशिक सुनो निरंकुश पाया है मैंने निपलाल। कुल कलंक लग गया ये मानो है रघुवंश के भाल। बचन बोलना अब हाँ बचन बोलना अब जो ये संभाल तो काल है। अरे कौशिक सुनो निरंकुश पाया ये तालियां देख लो मैंने कहा नहीं है लेकिन बज रही है। अब परशुराम जी कह रहे हैं क्या बोले कि अपने इस फरसे को ए बेटा और क्या रजाई के नीचे छुप रहे मुनि जी बैठे हैं ना विश्वामित्र बैठे हैं मुनि पाड़े जी और क्या। अब परशुराम जी कह रहे हैं के अपने इस फरसे को अब तक मैंने अपने अपने इस फरसे को अब तक मैंने रोका। अपने इस फरसे को अब तक मैंने रोका मगर कुटिल बालक ने बार बार मुझे टोका। अपने इस फरसे को अब तक मैंने रोका मगर कुटिल बालक ने बार बार मुझे टोका। जान कर मान कर मेरा अपमान कर। जान कर ये जानता है क्योंकि इन्होंने अपनी बात कही थी कि हम आपके ज्ञान को जानते हैं आपके प्रताप को जानते हैं तो फिर क्यों झगड़ा ठान रहे हो। कह दो कि हमने तोड़ा है सो हम अभी बताते हैं तुमको। जान कर मान कर मेरा अपमान कर। करता रहा जो ये बवाल तो काल है। अगर इसी तरीके से ये बवाल करता रहा तो फिर ये फरसा काल है इसके लिए ये समझ लो। फिर छोड़ूंगा नहीं मैं कहा परशुराम जी ने। जान कर मान कर मेरा अपमान कर। करता रहा जो ये बवाल तो काल है। कौशिक सुनो निरंकुश पाया मैंने ये नपला। और इतना नहीं ये पूरी सभा इस बात की गवाह है। ये पूरी सभा इस बात की गवाह है। किस बात की कि बार बार में सबको बार बार में सबको कहकर यही पुकारूं। और वही बात मैं फिर कह रहा हूं के बार बार मैं सबको कहकर यही पुकारूं। अब केवल एक क्षण में अब देर नहीं लगेगी और क्या क्योंकि अब सवेरा भी तो हो गया और हमें गुस्सा भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है के बार बार मैं सबको कहकर यही पुकारूं। अब केवल एक क्षण में इस बालक को मारूं। अरे अब केवल एक क्षण में इस बालक को मारूं तो सोच लो टोक लो। सोच लो पाणी जी मुनि महाराज टोक लो सोच लो इस बालक को रोक लो।
सोच लो टोक लो इस बालक को रोक लो, पाए ना सन्मुख जो ये टाल। अगर इसको टाल नहीं पाए आप तो निश्चित ये काल है, कोई बवाल है। तो सोच लो टोक लो इस बालक को रोक लो, पाए ना सन्मुख से, अरे पाए ना सन्मुख से जो टाल तो काल है। सिख सुना होने रंकुश पाया मैंने ये नपला, क्यों सुनो सभी। आखिरी पंक्तियां हैं विषय के गीत की। अब मैं पूरी सभा से कह रहा हूं, परशुराम जी बोले क्या कि सुनो सभी मम बाणी जो ये, क्या बात है क्या बात है, बेटा अरे सुनो, अरे उसमें फरसा थोड़िया चल रहा है यार। अब क्या होता ये है कि जब परशुराम जी आ जाते हैं ना तो चाहे वो फरसा दिखाए या ना दिखाए, लेकिन दिखता सबको है कि फरसा वाले आ गए, फरसा वाले आ गए। तो अब हमारे बाबूराम को उसकी ढोलक में जो ताल बजा रहा है उसमें भी फरसा दिख रहा है। तो सुनो सभी मम पाणी जो ये खामोश ना होगा, अगर इसी तरीके से बोलता रहेगा तो, अरे सुनो सभी मम पाणी जो ये खामोश ना होगा तो बध करने में इसका, अरे बध करने में इसका फिर मेरा दोष ना होगा। जान लो, अब समझ लो तुम फिर, हाँ, सब लोग समझा दो गुरु बाबा, हाँ समझ लो समझा दो। जान लो मान लो कर मन में अनुमान लो, जान लो मान लो कर मन में अनुमान लो, चलता रहा जो टेढ़ी चाल, चलता रहा जो टेढ़ी चाल तो काल है, चलता रहा जो टेढ़ी चाल तो काल है। कौशिक सुनो निरंकुश पाया मैंने ये नपला, चौपाई भी कह रही है, क्या कह रही है, आप ही जाने दे दोष मोहे लोगू कटुबादी बालक बथे जो कटुबादी बालक बधे जो, इसलिए कहा परशुराम जी ने, जान लो मान लो कर मन में अनुमान लो, चलता रहा जो टेढ़ी चाल तो काल है। कौशिक सुनो, अरे कौशिक सुनो निरंकुश पाया मैंने ये नृपलाल,
प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की जय और की जय। गुरु भगवान की, सन्यासी महाराज की, आज के